Yes, dear students. Today we are going to study. आज हम एक important topic पढ़ने वाले हैं. Class 10th का life process है nervous system. उसको हम अभी पढ़ेंगे. देखिए nervous system का मतलब होता है control and coordination. Nervous system के साथ साथ endocrine system भी work करता है. जिसमें hormonal study होती है. मतलब actually हम neuroendocrinology पढ़ने जा रहे हैं. अभी फर्स्ट पार्ट में नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमंस का. कमिंग वाले वीडियो में हम ब्रेन को भी स्टडी करेंगे और वो हो जाने के बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल सिस्टम को स्टडी करेंगे. तो अभी पहले नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, मानसिक तंत्र शुरू कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी का मानव शरीर. स्टूडेंट्स हमारे अंदर तीन नर्वस सिस्टम होते हैं. एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS के नाम से जानते हैं. फिर एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का, इसमें दो क्लासिफिकेशन आते हैं, इसके दो टाइप हो जाते हैं. पहला होता है आपका जिसमें वॉलेंट्री फंक्शन पड़े जाते हैं, और दूसरा होता है जिसमें इनवॉलेंट्री फंक्शन को पढ़ा जाता है. इनवॉलेंट्री फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मैं आप बच्चों को पहले इनके मीनिंग समझा देता हूं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है जब हम ब्रेन और साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करें, मतलब मस्तिष्क को और मेरु अच्छु मतलब स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करें, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है. जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात आती है तो वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन पड़ते हैं. वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारी मसल्स से डायरेक्ट कंट्रोल हो जाती है. जैसे इस हाथ को उठाना, इस पैर को उठाना, गर्दन को मोड़ना, ये वो एक्शन है बॉडी के जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो मसल की एक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में है, उसको वॉलेंट्री कहा जाता है. अब बॉडी की कुछ एक्शन मसल की ऐसी होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन या ऑटोनॉमस. जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट बीट का फंक्शन, वोमिटिंग का फंक्शन, तो ये सारे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आएंगे इनवॉलेंट्री फंक्शन. अब जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ध्यान रखिए पहले ब्रेन को स्टडी किया जाता है. और ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसके तीन हिस्से होते हैं ह्यूमन ब्रेन के. एक होता है फोर ब्रेन, मतलब ब्रेन के आगे का हिस्सा. एक होता है मिड ब्रेन, ब्रेन के बीच का हिस्सा होता है. और एक होता है हाइंड ब्रेन, मतलब ब्रेन के पीछे का हिस्सा, बैक पोर्शन ब्रेन का. क्लास 10th में फोर ब्रेन की स्टडी है. क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो आपका फोर ब्रेन है इसमें आता है सेरेब्रम. सेरेब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का, फ्रंट ब्रेन का. हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इन तीन हिस्सों को. ये फोर ब्रेन है आपका जो सामने दिख रहा है, यहाँ सेरेब्रम आ रहा है. सेरेब्रम को हम कहते हैं सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग. जो आप आईक्यू लेवल कहते हैं वो सेरेब्रम से जुड़ा हुआ है. और जो हमारा सोच विचार है, थिंकिंग है, वो भी सेरेब्रम से जुड़ी हुई है. जो हमारी पर्सनैलिटी है कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, वो भी सेरेब्रम से रिलेटेड है. जो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, वो सेरेब्रम से रिलेटेड होती है. हमारा आईक्यू लेवल सेरेब्रम से रिलेटेड होता है. और सेरेब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है, फ्रंट ब्रेन का हिस्सा है.
इसके अलावा फोर ब्रेन में एक सबसे खास फीचर होता है जिसको पॉल्स कहा जाता है, एक मेडुला होता है, ये भी फोर ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब जब ह्यूमन ब्रेन की आप स्टडी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि ह्यूमन ब्रेन में डायरेक्ट संधि होता है, मतलब जो ह्यूमन ब्रेन है ये मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों का बना है। डायरी मतलब एलिवेशन, मतलब जहां से मस्तिष्क उभरा हुआ है, और सल्की मतलब डिप्रेशन, जहां से मस्तिष्क में एक ढलान है, एक डिप्रेशन जैसा बना हुआ है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है आपसे देखिए इसमें डायरी और सल्की होती है। डायरी और सल्की होने से ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ता है। ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, स्टडी में हम टेंथ के अकॉर्डिंग चलता है उतना स्टडी कर रहे हैं, और ब्रेन के साथ साथ हम स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टोटल 31 पेयर्स में ऑर्गन करता है ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम लोग CTNSC कहते हैं, मतलब सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लूम्बर, फिर सेंट्रल और एक कोकेस। ये पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं और पीछे के साइड होते हैं, इस तरफ आते हैं गर्दन से लेकर नीचे तक। सर्वाइकल 7 पेयर है, थोरेसिक 12 पेयर है, ये 5 पेयर आपका लूम्बर, सेंट्रल 5 पेयर और कोकेस एडल्ट में फ्यूज हो जाता है, 2 पेयर रहते हैं पर एडल्ट में, रेस्ट में फ्यूज होकर 1 पेयर हो जाएगा। टोटल 31 पेयर होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं 10 और ये 12, मतलब 22, 22 और 7 29, 29 29 और 31 30 हो गया, क्योंकि 2 पेयर में से एक फ्यूज हो गया, अदरवाइज 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो कि बैक से लोअर पोर्शन तक रन करते हैं। एक बार बच्चे याद रखेंगे कि ब्रेन की कवरिंग को हम मेलेनिन कहते हैं, ये मसल की बनी रहती है, ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है उसको मेलेनिन कहा जाता है, और बॉडी के कुछ फंक्शन जो डायरेक्ट होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी पीने, याद दिलाते हमारे मुंह में स्लाइवा बढ़ जाता है, स्लाइवेशन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। हमारे बच्चे मान लीजिए डॉग पड़ा, कुत्ता पड़ा, तो हम इससे बचने के लिए दौड़ते हैं, वहाँ ब्रेन इन्वॉल्व है, वहाँ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, तो बॉडी के वो फंक्शन जहाँ ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। हम आने वाले क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के साथ पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क शॉर्ट में बता रहा हूँ, और आने वाली क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टिमुलस है, कोई संवेदना है जिससे बॉडी को खतरा है, मान लीजिए हीट, तो ये हीट कहाँ जाएगी आपके रिसेप्टर ऑर्गन, मान लीजिए हाथ में। अब रिसेप्टर ऑर्गन किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके सेंसरी न्यूरॉन से, और सेंसरी न्यूरॉन का काम है इस स्टिमुलस को उस ऑर्गन तक ले जाना जिसे हीट से बचाना है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, इसे इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाएगा, और इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो ब्रेन से मैसेज आएगा कि जो हमारा वो बॉडी पार्ट है जो हीट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है या किसी खतरे के कॉन्टेक्ट में आ रहा है उसको वहां से हटाना, वो इफेक्टर ऑर्गन से मैसेज आएगा, और सेंसरी से इफेक्टर ऑर्गन तक हमारे पास सीधा है मोटर न्यूरॉन्स। तो इस तरह ये रिफ्लेक्स आर्क काम करता है, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क है। तो स्टिमुलस से लेकर एक्शन तक, एक्शन कहाँ मिलेगी हमें, इफेक्टर ऑर्गन में क्या एक्शन मिलेगी कि जो हमारा हेड है वो दूर हो जाएगा। तो आगे वाली क्लास में इसे डिटेल में देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच।